बहुत कम ऐसे युवा होते हैं जो आज की तारीख में जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत कम ऐसे युवा होते हैं आज की तारीख में जो दूसरों को बताने के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मंदार एंड नो मोर फाउंडेशन की, जिसमें 7 लोगों ने बाइक रैली भोपाल से शुरू की और दिल्ली तक उनका कारवां जाएगा। उनका उद्देश्य है लोगों को, बच्चों को, यूथ को ये बताना कि अगर बाढ़ आ जाती है तो कैसे वो अपने आप को बचाएं, कैसे वो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते। ये बाइक रैली भोपाल से चालू होकर तात्या टोपे स्टेडियम से चालू हुई, जहां पे IPS ऑफिसर्स ने इसको फ्लैग ऑफ किया। इसके बाद ये गुना में आके, इनका पहला स्टॉप था प्रवीण चामलीकर जी के यहाँ पे, जो चामलीकर इंग्लिश क्लासेस के ओनर हैं, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को एकत्रित करा था और वहाँ पे एक सेशन उन लोगों ने लिया कि कैसे ड्राउनिंग मतलब डूबने से बचा जाए। करीबन 1-1.5 घंटे के सेशन में उन्होंने बच्चों को ये बताया कि कैसे आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं अगर आप पानी में फंस जाते हैं। तो मंदार एंड नो मोर फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो उनके परिवार वालों ने चालू की है। मंदार नाम का एक स्टूडेंट था जो भोपाल में टॉपर था, उसके डूब जाने के कारण उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट करा, और अब इसी चीज़ को उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि कैसे लोगों को तक ये बात पहुंचाई जाए कि डूबने से बचा जा सकता है और उसके क्या तरीके हैं। गुना से वो रैली लगभग 2 बजे दिल्ली के लिए निकल गई। जगह जगह पर उनके स्टॉप्स हैं, जहाँ वो यूथ को फिर से ऐसी ही क्लासेस पे इकट्ठा करके ये मैसेज देंगे, ये चीज़ सिखाएंगे कि कैसे डूबने से बचा जा सकता है। योर टाइम एंड ये जो फाउंडेशन है, दिस इज अ वेरी स्पेशल फाउंडेशन। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो MANM मंदार एंड नो मोर, एक्चुअली जो इनके फाउंडर्स हैं दे रिसाइड इन भोपाल ओनली। मंदार 10th स्टैंडर्ड में था जब उसके एग्जाम्स ओवर हुए, तो दे वेंट एट केरवन, देयर इज डैम देयर एज ही टोल्ड। वहाँ पे वो लोग गए जस्ट टू एंजॉय आवर सेल्फ ओनली, एंड अपने एंजॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वही वहाँ पे भी हुआ एक्चुअली, दैट वाज अ नेचुरल वाटर बॉडी जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं, जिस कि वो कितनी डेंजरस है, कितनी डीप है, क्या वहाँ पे और चीज़ें हैं जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें ना जानते हुए भी वो लोग वहाँ पे गए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मंदार पास अवे दैट डे। एंड इससे जनरली आपने सुना भी होगा, जैसे किसी की अगर फैमिली में अगर ऐसा कुछ क्राइसिस हो जाता है तो दे फील सैड, दे फील लो, और उसके बाद फिर वो सारी होप छोड़ देते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज जो होता है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग होती है उसका रूट करवाया गया, वहाँ पे प्रॉपर एक नेटवर्किंग नेटवर्क खड़ा किया गया, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है, जो वहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स जब गए थे वो लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे बट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं, और दिस इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन इन इंडिया दैट इज बीन वर्किंग फॉर ड्राउनिंग की डेथ हुई। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of March दे स्टार्टेड डूइंग वर्क रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ दैट केरवा डैम साइट वेयर दिस डेथ हैज हैपेंड। एंड एज योर इंट्रोड्यूसर टोल्ड यू दैट 175 डेथ्स वर क्लेम दैट एट दैट टाइम। He's an army officer, and there is a Pushpait Singh Bhadauria. He's a teacher in English for English classes, and Swapnil Namdev, he's a colonel. ये सबसे पहली बात तो ये जो बाइक रैली है ये भोपाल से स्टार्ट हुई है, सॉरी, और इसके बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली। इसके दौरान हम लोग 7 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो टच करेंगे, और जगह जगह हमारे कैंपेन्स हैं, जगह जगह हमारे सेशंस हैं, जिसका जहाँ पे हम लोग मतलब बताएंगे। उद्देश्य ये है, एक फाउंडेशन है मंदार एंड नो मोर MANM। ये फाउंडेशन काम करती है जो डूबने से हमारी जितनी भी डेथ्स होती हैं हमारे पूरे देश में या इस स्टेट में कह लीजिए आप, जो भी है जहाँ पे भी है, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना, इस चीज़ के लिए कैंपेनिंग करना, लोगों को जागरूकता करना कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसमें हम लोग को सिर्फ अवेयर करने भर से ही हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये उद्देश्य है हमारा इस रैली का, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आप कितनी जगह पर यहाँ पर रुक गए, और रुकने के बाद वहाँ पर आपने उद्बोधन दे करके समझाइश दी है? ये हमारा दूसरी दूसरी जगह पे है, यहाँ पे गुना हमारा जो
यहाँ पे जो सेशन हो रहा है ये हमारा दूसरी जगह पे है। पहला सेशन हम लोग ने भोपाल में ही किया था, जब भोपाल से स्टार्ट किया था, उसके बाद दूसरा यहीं पर, इसके बाद हम लोग फिर अगले कल का जो प्लान है हमारा है वो है दिल्ली में और गुड़गांव में। अच्छा, यहाँ से पहले भोपाल? पहले भोपाल, फिर भोपाल से ही स्टार्ट हुआ था, भोपाल में ही सेशन हुआ। डायरेक्ट गुना रुक में? डायरेक्ट गुना रुक। इसके बाद डायरेक्ट? डायरेक्ट ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर से दिल्ली ना? जी, दिल्ली कल सुबह हम लोग तय करेंगे, आज तो ग्वालियर में ही जाके रुकेंगे। ये रैली टोटल बाइक से कर रहे हैं? टोटल बाइक से। द ग्राउंड रिपोर्टर से मैं गौरव सरई।